हमारा नाम हनी मुसलमान, वार्ड नंबर 5 सियारी गांव पालिका, वार्ड नंबर 5 भूमका, टोल भूमका। ये ताजिया का मेला आज कितना शताब्दियों से लग रहा है, उसमें कारण यह है कि यजीद नाम का एक बादशाह बहुत बड़ा बादशाह था, और बादशाह होते में उसको इतना बड़ा घमंड हुआ कि किसी आदमी को मजबूरन वो अपने अंगर में लेना चाहता था, लेकिन वो आदमी उसके अंगर में नहीं आए। बहुत बादशाह यजीद परेशान हो कर उनसे जंग का ऐलान कर दिया। जंग का ऐलान करने के बाद एक तरफ से इधर फौज बहुत कम थे, उधर से ज़्यादा थे, बहुत परेशानी से, लेकिन अल्लाह का करम था कि जो आता था उनके मुकाबले में उनका नाम हुसैन था, यानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी नाती लगते थे, और एक आदमी आता था उसको शहीद कर देते थे, जो आता था उसको शहीद कर देते थे। रह गया सवाल 6-6 महीने के बच्चों को पानी बगैर तड़प तड़प के वो करबले के मैदान में मार डाला गया। रह गया सवाल, यही टाइम है 4 बजे के लगभग, अपने साथियों से कहने लगे कि भाई हम लोग नमाज पढ़ेंगे और तुम भी पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो। नमाज पढ़ने के बावजूद जब हाथ पैर धो करके तैयार हो गए और नमाज पढ़ने लगे, सीधे में गए, तो बादशाह यजीद ने कहा अपने साथियों से कि अरे भाई ऐसा मौका नहीं आएगा, और ऐसे मौके पर हम लोग कामयाब नहीं होंगे तो फिर इससे सफल नहीं पाएंगे। इसलिए नमाज के टाइम में सर झुकाने के बाद तलवारों से उनका सर काट दिया गया और शहीद हो गए। तभी से हम लोग यानी मुसलमान कौम, मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू धर्म वाले, उन लोगों को भलाई होता है उनके ज़रिए, इसलिए इनको मानते हैं, और जौन है मुसलमान तो अधिकतर नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग ये तिथि मिथी यानी अरबी मुहर्रम का अरबी तारीख 10वीं तारीख को एक खेल हुआ था, शहीदी दर्जा उनको मिला, और आज के तारीख में हम लोग इस मातम को मनाते हैं। मेरा नाम मोहन साई, सियारी गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 में बस्छु। यो मुहर्रम मेला भन्ने आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिबाट लागिरहेछ यहाँ मुसलमानको, खास भन्ने मुसलमानको चाड हो। अहिले हिन्दूहरूले नि मान्न थाल्यो मुहर्रम बाबाको चाड। यो अहिले COVID-19 कोरोनाले गर्दा अहिले त्यति बाजाहरू पनि बज्न सकेन, र यसमा अब धेरै पहिलादेखि लागिराखेको यो मुहर्रम बाबाको, जसले मान्छ उसलाई पुगाएर मूर्तिहरू बनाएर ल्याउने, बाबाको सेलाउने, र यो साल अलिक कम भयो, बाजा साजा पनि बज्न सकेन। भनेपछि अब मैले त के भन्नु छैन, हुन त हामी सबै मुसलमान हिन्दू सबै मिलेर यो मेला लगाइएछ। 50 वर्षबाट मैले जान्दा यहाँ यो ठाउँमा भूमकामा यो करबला भन्ने ठाउँमै नाम छ, यो सार्वजनिक जग्गामा आजसम्म लागिरहेछ, र यसमा मैले अरू के भन्नु छैन। अहिलेलाई बहुत बहुत कम्ती भयो COVID-19 कोरोनाले गर्दा, अहिले बहुत हल्का भयो, मान्छे पनि कोरोनाले गर्दा भिडभाडमा हुनु पाएन, त्यति खास यो साल लागेन। मैले लगभग म बर्माबाट 2022 सालबाट आएदेखिबाट अब 40-42 वर्षसम्म मैले देखिरहेको छु। यो के हुने गर्थ्यो पहिला हजुरहरूको पालामा? पहिला पालामा यही मान्ने, जसलाई पुग्यो उसले मूर्ति ल्याउने, बाबाको नाममा सेलाउने गर्ने गर्थ्यो। धेरैलाई पुगेको हुन्छ, त्यो वास्ते मानेछ हिन्दूहरूले पनि, खास भन्ने मुसलमानको चाड हो। अहिले हिन्दूहरूले पनि मान्नु थाल्यो कि, जस्तै भक्कल गर्छ, भक्कल गरी पुरा भएपछि तजिया बाबा बनाएर मूर्ति ल्याउने या बनाउने सेलाउने। यो साल भदौमा भयो भने आइसाल साउन महिनामा नै सर्दै सर्दै आउँछ, 3-3 वर्षमा सर्छ यो। ल, मलाई यति भन्नु छ, धन्यवाद।